वेलकम बैक टू ओरिजिनल। दोस्तों मेरा नाम अलीदर है। मेरा नाम दाग द फायर का नेक्स्ट पार्ट है यार। लास्ट में खलनायक को आजाद करने के लिए वो आया था वकील। खलनायक को भाई नहीं चाहिए, बोलता है मारूंगा या मुझे इधर मार या मैं तुम्हें मारूंगा। देखते हैं अब क्या होता है। प्ले करे खुफिया दुश्मन को छुड़वाने का क्या मतलब? दुश्मन वो हमारा नहीं है, हम उसके दुश्मन है। क्या उसने हमारा नुकसान नहीं किया, हमने उसका नुकसान किया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या सोचकर करेंगे जमानत कराने गए थे, जबकि अब भी वो तुम्हारी जान लेना चाहता है? मैंने काम ही ऐसा किया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दिमाग खराब नहीं, दिमाग तो सही हो गया है मेरा। मैंने तय किया कि जितने भी पाप लोगों ने मुझसे करवाए हैं उसका मुआवजा खुद भी भरूंगा और दूसरों से भी भरवाऊंगा, और उनमें से एक आप भी तैयार रहेगा। तुम सिंघाल से बात कर रहे हो? सिंघाल से बात कर रहे हो तुम? अपने ससुर से बात कर रहे हो तुम? आप मेरे ससुर थे, लेकिन आज जब काजल नहीं रही जिसकी वजह से रिश्ता था, तो अब आप मुझे इस रिश्ते की दुहाई मत दीजिए। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, दो टके की नाचने वाली ने दिमाग खराब कर दिया है। अब वो मेरी पत्नी है, इस हिसाब से जिस घर में आप खड़े हैं वो उसी का है। सभी ये मत भूलो, इस घर में दो ईंटें मेरी भी लगाई हुई हैं। तो निकाल लीजिए अपनी ईंटें। तुम्हारी दो ईंटों की वजह से मेरे सारे घर में बदबू फैली हुई है। डोंट शाउट मिस्टर सिंघाल। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, गिर आउट ऑफ द हाउस, गिर अप। स्वांग रचाकर भले घर की औरत बनना चाहती है, आखिर चला दिया चक्कर उस बेचारे रवि पर। कम सात बाजारू औरत। हम बाजारू औरतें सेठ, तुम जैसों की घरेलू औरतों से तो बेहतर ही है ना। तुम तो अपनी औरतों से कुछ भी मनमानी करते हो और हमें रुपए भी देते हो और तलवे भी चाटते हो। कम सर अपनी औकात से बाहर निकले। औकात देखनी है सेठ? हाँ देखनी है, तो चलो चैलेंज फेंकती हूँ मैं तुम पर। अरे हाथ उठाना तो दूर, तुम सिर्फ एक बुरा लफ्ज निकाल कर दिखाओ मेरे बारे में। राम कसम, अगर पूरे बाजार में इसी छड़ी से मारते मारते तेरे घर तक ना ले गई ना, तो कचरी नाम नहीं मेरा। अगर हिम्मत है तो बोल, बोल कर दिखाओ। मैं मुंह नहीं लगना चाहता तुम जैसी औरतों के। अरे सेठ औरतों को पांव की जूती समझना छोड़ दे, जिस दिन सर पर पड़ेगी ना तो बेभाव की पड़ेगी। बात करता है साला। अरे औकात ही क्या ससुरी की, कहो तो जान से मरवा दे। उसे ठीक नहीं होगी उसके लिए, उसे फिर उसी नाली में जाना होगा। बोटी बोटी पिकेगी उसकी, खिसक खिसक कर रेंग रेंग कर सड़ सड़ कर मरना होगा उस बदसात को। वो सदा ठीक होगी उसके लिए। कर दिया है बंदोबस्त उसका। अरे नाथ पीटी सत्या नाथ हो तेरा, तने घर बसाने के लिए भेजा था मैंने, रुपयों कमाने के लिए भेजा था, रुपयों कमाने के लिए, और तने कमी ने अभी से हराम का बीज भर लिया पेट में। आ रहे खबरदार माई, खबरदार इसे हराम का मत कहना। मैं हूँ हराम की तो मैं हूँ, क्योंकि न तन्हे पता है न मन्ने पता है कि मेरा असली बाप कौन है। ये तो एक शरीफ इंसान का बच्चा है जिसने प्यार किया है मुझसे। मैं तो बोलू प्यार करे है तन्ने, घरवाली समझे है तन्ने। अरे हराम की जाके बोल असलियत, बता के तू धंधे वाली है नाचने वाली है, तब देखू कितना प्यार करे है वो तुझे हराम की जाई। मैं तो बोलू संता, मैं
दे हराम के इस बीच को, तेरी तो कमीने। खबरदार संता, हाथ भी लगाया तो काट के फेंक दूंगी। तो जैसी 25 को सीधी कर चुका हूँ मैं अब तक, टांगे तोड़कर डेरे में भी डाल दूंगा ना, तो भी घाटे में नहीं रहूंगा। अरे ना रहे नाचने लायक, 20-25 दिन भूखी रहेगी तो खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ए बॉस, रख कस के पकड़ के तो रख, पहले इस बला को निपटा दो जिसकी वजह से इतना कूद रही है। कन्ने काट जा, वरना यहीं के यहीं खेल जाऊंगा। क्या लगती है तेरी आ? मेरे होने वाले बच्चे की माँ। मैं तो बोलूं ना हुकुम, कुछ ना बोलो जी। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12? ये ले। नहीं ये ले। जाओ संभालो अपना ये घर, अपनी ये दुनिया। मम्मी मम्मी मम्मी, हमने कभी मां छोड़ के जाना। मम्मी मैं नहीं रह सकती। नहीं बेटी, नहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बस रवि, बस। मैंने उसे आगाह किया था, मैंने सिंघाल को आगाह किया था। मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर मिस्टर सत्यप्रकाश का केस फिर से खोलने जा रहा हूं। कि मिस्टर सत्यप्रकाश ने जेल में आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या करवाई गई थी। और मैं इन सफेद पोशों के काले कारनामों को सारा कच्चा चिट्ठा कल अदालत में खोल कर रख दूंगा, पूरे सबूतों के साथ। ये नहीं हो सकता। रवि के पास हमारे खिलाफ जो भी सबूत हैं वो खत्म होने चाहिए। सिंघाल साहब, हमने तो रवि का पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन हमारे फाइलें, हमारे कागजात, कॉपीज सब गायब है। कहीं हमारा नक्शा ना पलट जाए। करण भैया ने पुलिस की हिरासत से भागकर अच्छा नहीं किया, खतरा और बढ़ गया है। हाँ, खतरा तो बढ़ गया है क्योंकि रवि वर्मा करण के पिताजी का केस फिर से खुलवा रहा है ताकि उन्हें झूठे कलंक से मुक्ति मिल जाए। अगर ऐसे में कहीं करण नहीं, नहीं, अगर करण का सामना रवि से हो गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये तो सही कहा भाई, हमारा खलनायक आ गया है, पुलिस से भाग गया है। ये खलनायक और हमारा देवा भाई, इनको भाई पुलिस भी नहीं रोक सकती, भले ही जेल में बंद हो, ऐसे सलाखें तोड़ के भाग जाते हैं। तो ये इनका दम है भाई, और पुलिस भी डरती है इनसे। बड़ा अच्छा लगा यार, ये भाग गया है बस यार, एक बार वो केस जीत गया है, क्योंकि उसने अभी एहसास आया है कि भाई मैं सत्य प्रकाश को जो है ना, उसकी केस को वापस ओपन कर रहा हूँ। गुंडों की भी सांस लेट गई, देख रहा है वो गेंडा स्वाई बोलता है हमारा पासारा पलट से जाए, तो देखते भाई यार बड़ा मज़ा आया। ये करना है कि अभी भाई किसी की केयर नहीं है, अभी इसको सच्चाई पता चले ना, आराम कर वो है भाई, ये अभी सही हो गया है, सीधा हो गया है। आराम ही अभी वो 3-4 है, गेडा स्वामी और वो 70 सिंह, ये आराम करे उन हमारे तारा, ये हमारे खलनायक को पता सही लग जाए ना तो मज़ा आ जाए, मुझे बड़ी खुशी होगी।
बाकी अभी भाई ये है कि वकील हाथ में आ गया ना तो भाई बताने का मौका ही नहीं देगा, इधर ही छली कर देगा भाई। हाँ भाई आज तो खतरनाक है, भागने का तरीका ना बिल्कुल जोश वाला था, पुलिस वालों के इधर अंदर ही नहीं निपटा रहा, ये है ना असल खतरनाक तगड़ा, पुलिस वाले की गोली ठोक दी वो देवा भाई की तरह, उसी को भी मार दिया। बाकी यार ये वाला जो पुलिस वाला है ना, ये रोतड़ू है, ये रोता रहता है बस, माँ जी खतरनाक भाग गया, ये भी साला है ना पूछ सके।